एक विधायक के लिए हेलीकॉप्टर जहाँ से पंजाब में जाता है होशियारपुर के होशियारपुर से उनको ला करके शिमला पहुंचाता है और शिमला पहुंचाने के बाद चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाता है और चीफ मिनिस्टर रिसीव करके ले आते हैं, अपनी गाड़ी में बिठा करके यहाँ पर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाते हैं अपनी गाड़ी में बिठा करके। तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हम इलेक्शन कमीशन को लिखित रूप में दे रहे हैं और हमने इस बात को कहा कि वो वोट जो है सुदर्शन बबलू का वोट काउंट ना किया जाए जब तक इलेक्शन कमीशन से हमारी जो है वो शिकायत का निवारण नहीं होता, उसको सेपरेट रखा जाए, ये हमने बात की है। और यहाँ पर जो इलेक्शन एजेंट आया वो दिल्ली से आया हुआ है और वो इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा है कि बड़े वकील का वो पोलिंग एजेंट होने के नाते उसकी तहजीब देखिए। पोलिंग सेंटर काउंटिंग सेंटर के अंदर जो है वो जो सीईओ है हिमाचल प्रदेश को उसको धमका रहा है। ये परिस्थिति है यहाँ पर। इसलिए मैं इस बात को फिर से कह रहा हूँ कि सुदर्शन बबलू को सीट करने के लिए हेलीकॉप्टर हिमाचल से पंजाब जाता है और पंजाब से हेलीकॉप्टर से शिमला लाए जाते हैं और शिमला लाने के बाद उनका वोट पड़ने से पहले चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं और रिसीव करके पोलिंग बूथ तक छोड़ते हैं। ऐसे में वो वोट स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया है। इसलिए हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि वो वोट अलग से काउंट किया जाए, उसको अलग से रखा जाए जब तक ये निर्णय नहीं। सर काउंटिंग का क्या मेरे पास है तो हाँ, जिस तरह से आप नेता विपक्ष को सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने आरोप यहाँ पर लगाए हैं और इलेक्शन कमीशन को इसकी शिकायत देने की बात कही है। और जिस तरह से जो सुदर्शन बबलू जो मुख्यमंत्री अपने गाड़ी में बैठाकर यहाँ पर लाए, उस पर इन्होंने जो है कहीं ना कहीं आपत्ति यहाँ पर दर्ज की है। फिलहाल काउंटिंग चल रही है और इन्होंने कहा कि उस वोट को जो है रद्द करने की मांग जो है वो की है कि इस वोट को जो है रद्द किया जाए। और अब आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये माहौल जो है वो बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए विधायक मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं खुद गाड़ी में, ये सब कुछ जो है चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं आदर्श चुनाव संहिता जो है उसकी अवहेलना है, वायलेशन है और सुदर्शन बबलू का वोट जो है काउंट ना किया जाए। तो एक बहुत बड़ा सारी काउंटिंग में जो है यहाँ शिमला जो हिमाचल प्रदेश के एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ है उसमें काउंटिंग में जो है वो फंसता हुआ दिख रहा है क्योंकि सुदर्शन बबलू के वोट के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो ऑब्जेक्शन जो है वो दायर किया है। इसको लेकर जहाँ काउंटिंग थी वहाँ गहमागहमी भी हो गई थी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के जो हिमाचल की जनता का पैसा हिमाचल के खिलाफ वोट करने के लिए। सर काउंटिंग प्रोसेस बिगिन हो गया है, क्या हुआ है जिस तरह से विपक्ष के विधायक अंदर? हमने इस बात को लेकर के एक बात कही है कि कांग्रेस का एक वोट
एक विधायक जिसको हेलीकॉप्टर शिमला से पंजाब जाता है और पंजाब से हेलीकॉप्टर से उनको लेकर के आते हैं और यहाँ अन्ना डेल में हेलीकॉप्टर उतरता है, मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं, अपनी गाड़ी में लेकर के पोलिंग बूथ तक छोड़ते हैं, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वो वोट प्रभावित हुआ है और प्रभावित हुआ है, इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन से इस बात के लिए निवेदन किया है कि उस वोट को काउंट तब तक ना किया जाए जब तक इलेक्शन कमीशन की फाइनल इस बारे में जो है कोई राय नहीं आती, कोई निर्णय नहीं आता है। और उसको सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि सीधी सी बात है, हम बाय नेम बोल रहे हैं सुदर्शन बबलू उनका नाम है और सुदर्शन बबलू का जो पोस्टल बैलेट है उसको सेपरेट किया जाए, उसको तब तक काउंट न किया जब तक निर्णय। और उसके बाद हम हैरान है कि जो इलेक्शन एजेंट है जो कांग्रेस के कैंडिडेट का, वो बदतमीजी पर आ गया और जो जहां ये चुनाव की मतगणना हो रही है सीओ को ऊपर धमकी देने लगा, आपको गिनना पड़ेगा, हाउ कैन यू डू इट, ऐसे बहुत कुछ बोलने लग पड़ा वो और उसका कोई बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। कहने का मतलब वायलेशन हुई है, ये गलत है। एक हेलीकॉप्टर स्पेशल भेजना, पंजाब भेजना शिमला से और शिमला से उसको पंजाब से शिमला में उतारना है और हेलीपोर्ट पर जाकर के चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करें, रिसीव करने के बाद अपनी गाड़ी में लेकर के पोलिंग बूथ में पंजाब, निश्चित रूप से वो वोट प्रभावित हुआ है। हमने तो इतना ही कहा है कि उस वोट के बारे में इलेक्शन कमीशन अपना व्यू देने के बाद ही उसको काउंट किया जाए, तब तक के लिए उसको पेंडिंग किया जाए, उसको किनारे रखा जाए, क्योंकि उसमें रखने की व्यवस्था इस तरह से की जा सकती है क्योंकि उसमें पोस्टल बैलेट के पीछे नंबर होता है और उनका वोट जो है वो सीधा सा उसको पहचाना जा सकता है। आपके इस ऑब्जेक्शन पे सीईओ का क्या रिस्पांस है? मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर के देखते हैं क्या किया जा सकता है, लेकिन मुझे बहुत दुख है जो कांग्रेस के कैंडिडेट का एजेंट है वो बहुत ज्यादा ऊंचे स्वर में वहां पर बात किया है। क्या लग रहा है सर, टाई की सिचुएशन है जो कैंडिडेट को ऐसे लाना पड़ा? नहीं, अभी काउंटिंग तो अभी होनी है, अभी तो पोस्टल बैलेट खोल रहे हैं वो, हम बोल रहे हैं कि उसको काउंट ना किया जाए, बस इतने कहा हमने। ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे उस सुदर्शन बबलू के वोट पर जो है कहीं ना कहीं आपत्ति यहाँ पर विपक्ष ने जाहिर की है और कहा है कि इस वोट को सेपरेट रखा जाए, इसको काउंट ना किया जाए क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ही वायलेशन हुआ है, इस तरह का आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। फिलहाल काउंटिंग अंदर जो है वो चल रही है, थोड़ी ही देर में जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बहुमत जो है वो किसके पास है, कौन जीतकर जो है वो राज्यसभा जाता है, तमाम चीज़ों की अपडेट आपको थोड़ी देर बाद देंगे। फिलहाल जो है आपत्ति यहाँ पर विपक्ष की तरफ से जाहिर की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं वायलेशन किया गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, आचार संहिता का जो है यहाँ पर वायलेशन हुआ है और जो निर्देश हैं चुनाव आयोग के उसकी यहाँ पर जो है वो धज्जियाँ उड़ाई गई, इस तरह के आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं और इसको लेकर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी जो है वो जानकारी देने की यहाँ पर बात कही गई। फिलहाल काउंटिंग अंदर जो है वो चल रही है, थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसके पक्ष में जो है यहाँ पर जो है वो रिजल्ट आता है, कौन राज्यसभा चुनकर जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें पंजाब के श्री हिमाचल के साथ।